फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनल. आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है. और यू नो दैट आई एम हियर विद ऑल द ट्वेल्थ मैथ्स एंड ऑल द मैथ्स ट्रिक्स, साइंस ट्रिक्स एंड सो मच फन. सो वी वर डूइंग डिफरेंशिएशन एंड एक्सरसाइज 5.5. सो लेट्स डू दैट. क्वेश्चन नंबर 11 वी वर डूइंग. सो वॉट इज दैट क्वेश्चन नंबर 11? लेट्स राइट डाउन. X cos x raised to x plus x sin x raised to 1 by x. And this, those who are new to my channel, please don't forget to subscribe if you like my video and don't forget to press the bell icon. Jaise video dalegi, aapko notification mil jayega. So, matrices determinants ho chuka, differentiation is about to finish. We have to increase our speed now. Okay, so keep watching. And let's go. Okay, so y is equal to this. Y is equal to u plus v, we can say, right? So u hai hamare paas x cos x raised to x, right? Abhi power pe power hai, hum kya karenge? So taking log on both sides, theek hai, kya jayega? Log u is equal to log cos x raised to x. अब log a raised to b क्या होता है? b log a means ये नीचे आ गया. हमारे पास identity है, इसके भी videos हैं, देख लीजिएगा. अच्छा, अब इसको differentiate कर रहे हैं with respect to x. क्या हो जाएगा? log x का 1 by x du by dx, x का differentiation 1 log x plus x as it is log x ka 1 upon x. X cos x mein x ka 1 cos x as it is plus x as it is cos x ka minus sin x. Fine, ye hai. Ab x se x yahan cancel ho gaya. To one more thing I can do here. इंडिविजुअल डिवाइड कर देती हूँ. कॉस बाय कॉस 1 प्लस माइनस माइनस एक्स. साइन अपॉन कॉस क्या होता है? सबको पता है, टैन, राइट? तो डी यू बाई डी एक्स मेरा कितना आ गया है? यू को यहाँ सेंड कर दूंगी. यू है एक्स कॉस एक्स रेज टू 1 बाय एक्स लॉग एक्स कॉस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स टैन एक्स. ठीक है, सो this is du by dx. Now let's do dv by dx kitna aata hai. So v is what? X sin x raised to 1 by x. theek hai, isko bhi same tarike se karenge. Power ke upar power hai, variable hai, to log le lenge. Taking log on both the sides, log v is equal to log x sin x raised to 1 upon x, correct? तो log a raised to b नीचे आ जाएगा, log x sin x. ठीक है, अब differentiate कर दें with respect to x. 1 upon x dv by dx. 1 upon x का differentiation क्या होता है? minus 1 upon x square log x sin x. फिर 1 by x, log x का differentiation 1 upon x, right? x का differentiation 1, product rule लगाएंगे. x का 1 sin x as it is plus x as it is sin x का cos x, है ना? 1 by v dv by dx is equal to, अब ये कैसे आता है हमारा देखना पड़ेगा हमको. log x sin x x square plus कितना आ रहा है ये? स्प्लिट कर देती हूँ मैं. करा जा सकता है तो ओके. सो दैट विल बी x square sin x
साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स, ठीक है. सो ये आया अभी मेरा. और अब मैं वन बाई एक्स स्क्वायर ना बाहर ले रही हूँ, ठीक है. तो कितना आ जाएगा प्लस, ये माइनस था यहाँ, मैंने माइनस लगा दिया. साइन बाय साइन वन होता है और ये आ जाएगा एक्स कॉस बाय साइन इज व्हाट, कॉट, करेक्ट. तो ये आ जाएगा. उसके बाद हमें तो निकालना है डी वी बाई डी एक्स. तो डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा, वी ऊपर चला जाएगा, वी इज़ वॉट एक्स साइन एक्स रेज टू वन बाई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एक्स साइन एक्स प्लस वन प्लस एक्स कॉट एक्स. अभी काम कुछ नहीं बचा है, जस्ट दोनों को ऐड करके लिखना है. वी नो दैट वाई इज इक्वल टू यू प्लस वी हमने लिया, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स. तो आप दोनों को ऐड करके यहाँ लिख देंगे और आंसर आपका आ जाएगा. दैट विल बी द आंसर. उसमें कुछ नहीं करना, जस्ट वैल्यूज पुट करना है. यू गॉट दैट? यू कैन आस्क मी एनी डाउट वेल कमेंटिंग, बाई कमेंटिंग. ओके, सो डू दैट प्लीज. नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. यू कैन सी हियर व्हाट इज द क्वेश्चन. Find dy by dx and it's important, okay? X raised to y, y raised to x is equal to 1. So, ठीक है? This is u, v, मैं let कर रही हूँ. Let u is equal to x raised to y, v is equal to y raised to x. ठीक है? अभी taking log, इसके लिए करते हैं, on both sides. तो मैं अभी इस पे लगा रही हूँ, यू पे. कैसे आ जाएगा लॉग एक्स रेस टू वाई, लॉग यू लॉग एक्स रेस टू वाई, करेक्ट. तो लॉग ए रेस टू बी क्या होता है, बी लॉग ए, राइट. अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स. वन बाय यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई एज इट इज, लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स. y का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, dy वाई बाई डी एक्स. दिस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, क्योंकि y अभी तक हमें नहीं मिला था क्वेश्चन में. dy वाई बाई डी एक्स आया यहाँ पे एंड log x एज इट इज, करेक्ट. तो du यू बाई डी एक्स यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, u को सेंड करती हूँ, x रेज टू y, y अपॉन x, dy वाई बाई डी एक्स log x, ठीक है. हम इसको ओपन भी कर सकते हैं, तो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, है ना. दैट इज़ व्हाट, देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे, बेस सेम है, डिवाइड में है, मतलब एक्स की पावर समथिंग और यहाँ एक्स की पावर कुछ नहीं तो वन, डिवीजन में है. क्या हो जाएगा, वाई एक्स रेज टू वाई माइनस वन, करेक्ट, प्लस एक्स रेज टू वाई लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स, है ना. ये आपका आ गया डी यू बाई डी एक्स. अब हमको पता है v इज इक्वल टू वाई रेज टू एक्स है, इसको भी करते हैं. क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग v इज इक्वल टू लॉग वाई रेज टू एक्स, ठीक, लॉग v, लॉग ए रेज टू बी है तो नीचे आ जाएगा, राइट. अभी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वन अपॉन वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन लॉग वाई, प्लस एक्स एज इट इज लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है. ये आया. अब डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा, वी को उधर सेंड कर देती हूँ, वी का वैल्यू भी साथ में, वाई रेज टू एक्स लॉग, सॉरी लॉग वाई प्लस एक्स अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स. नाउ इट्स टाइम टू ओपन द ब्रैकेट. तो ये कितना हो जाएगा, वाई रेज टू एक्स लॉग वाई प्लस एक्स,
बेस सेम है, डिवाइड में है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, पावर वन है, कितना आ जाएगा x माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स। ये आपका आ गया डीवी बाई डी एक्स। इस बार पूरा सॉल्व करेंगे बिकॉज देयर इज समथिंग टू डू। हमको पता है कि हमारी इक्वेशन थी u प्लस वी इक्वल टू वन, हमने लेट किया था, इसको भी डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, फिर करेंगे। तो कितना आ जाएगा ये डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। वन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ज़ीरो, बिल्कुल सही। अब डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू डालने का टाइम आ चुका है, पुट कर रही हूँ एक्स वाई माइनस वन प्लस एक्स रेज टू वाई लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई रेज टू एक्स लॉग वाई प्लस एक्स वाई एक्स माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, करेक्ट। ये और ये दोनों आपको दिख रहे हैं, इसमें डी वाई बाई डी एक्स ही तो निकालना है, तो कॉमन रखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, अंदर क्या बचेगा एक्स वाई लॉग एक्स प्लस एक्स वाई एक्स माइनस वन इज इक्वल टू, इन दोनों को वहाँ भेज देंगे, माइनस वाई माइनस वन माइनस वाई रेज टू एक्स लॉग वाई, है ना, ये डिवाइड में आ जाएगा, कर देते हैं। एंड यू कैन टेक माइनस कॉमन हेयर, आई एम टेकिंग दैट वाई एक्स वाई माइनस वन प्लस वाई रेज टू एक्स लॉग वाई एक्स रेज टू वाई लॉग एक्स प्लस एक्स वाई एक्स माइनस वन। तो ये हो जाता है हमारा आंसर। तो देखा आपने कैसे किया हमने, डी वाई बाई डी एक्स जब रहता है तो उसको कॉमन लेके हम कर लेते हैं। सब क्वेश्चंस एक जैसे हैं, द बेस्ट पार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन इज दैट, मतलब एक करेंगे तो काफ़ी दूसरा आ जाता है हमें करने के लिए, इजी हो जाता है। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13, वाई रेज टू एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू वाई। ठीक है, यहाँ कैसे करने वाले हम लोग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, है ना, लॉग ले लेते हैं, तो उसके बाद जब लॉग ले लेंगे इस बार तो कर देते हैं फिर, तो ये साथ में ही हो जाएगा, इस बार यू वी लेने का नहीं है हमको, क्योंकि बीच में प्लस का साइन नहीं है, इक्वली है लॉग एक्स रेज टू वाई, लॉग ए रेज टू बी क्या होता है, बी लॉग ए अगेन। अब करते हैं इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन वन लॉग वाई प्लस एक्स एज इट इज लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स वाई का डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब इसका वाई एज इट इज लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, है ना। अभी ये भी डी वाई बाई डी एक्स है, ये भी डी वाई बाई डी एक्स है, एक एक तरफ लेके कॉमन लेके कर लेते हैं। तो ये आपका एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स माइनस लॉग वाई, है ना। तो लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, अंदर क्या बचेगा एक्स बाई वाई माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स माइनस लॉग वाई। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, वाई एक्स माइनस वाई लॉग एक्स कुछ नहीं है तो वन, एलसीएम लिया एक्स वाई माइनस एक्स लॉग वाई, राइट। उसको यहाँ से एंड कर दो, कितना आ जाएगा वाई इन द ब्रैकेट वाई माइनस एक्स लॉग वाई, नीचे क्या आ जाएगा एक्स टाइम्स x माइनस वाई लॉग एक्स, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इम्पोर्टेंट था ये भी क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से करेंगे हम लोग। ठीक है, लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा है, अभी cos y रेस टू
wait, cos x raised to y is equal to cos y raised to x, है ना? Yep. तो क्या करें, सबसे पहले हम लोग पावर के ऊपर पावर है, इक्वल है, लॉग ले लेते हैं और दोनों तरफ एक साथ सॉल्व हो सकता है हमारा. टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है? तो log of cos x raised to y is equal to log of cos y raised to x. Fine? तो log a raised to b क्या होता है? b log a, यहाँ पे भी x log cos y, ठीक है? अभी मैं कर रही हूँ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा? y as it is, log x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन x, cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन x. फाइन. प्लस log cos x, ठीक है, y का डिफ्रेंशिएशन कर लेती हूँ पहले मैं, y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स log cos x as it is, ईजी. फिर x का डिफ्रेंशिएशन 1 log cos y, प्लस x as it is log x का 1 upon x और cos y का minus sin y, space थोड़ा सा कम पड़ गया, मैं यहाँ लिख रही हूँ dy, y का भी होगा. देखिए this is all about chain rule, chain rule पे भी video है, please go and watch that. First log x का differentiation 1 upon x to 1 upon cos y हो गया, cos x का minus sin y हो गया और फिर y का डिफ्रेंसिएशन dy वाई बाई डी एक्स हो गया, ठीक है? अब इसको कर देते हैं, कितना आ जाएगा? माइनस y साइन बाय cos is tan, ठीक है? और आई शुड डू वन थिंग, ये नहीं करती हूँ मैं, dy वाई बाई डी एक्स एक साथ ले लेते हैं पहले हम लोग, ठीक है, फिर करेंगे. तो dy वाई बाई डी एक्स log cos x, ये माइनस साइन एक्स वाई है, तो क्या आ जाएगा? प्लस एक्स साइन वाई कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग कॉस वाई माइनस माइनस नहीं, यहाँ माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस वाई साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है? तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा? log cos x प्लस x tan y, करेक्ट? यहाँ पे क्या आ रहा है? log cos y प्लस y tan x, करेक्ट? जस्ट डिवाइड दीज, log cos y प्लस y tan x अपॉन log cos x प्लस x tan y, and this is going to be your answer, answer number 14, correct? तो हमने काफ़ी questions differentiation के अभी कर लिए हैं, बस इस exercise में 15th question जो है बहुत ज़्यादा important है actually, 15, 16, 17, 18, चार questions रहे हैं, उसमें से 15 is the most important one. So we'll do in the next video and keep watching, बने रहिए. This is very useful, और जिसको मदद है please please help others, क्योंकि क्या होता है ना, लोग ढूंढ रहे होते हैं but नहीं मिलता है. If you share it with others, it will be helpful and they will be grateful to you, ठीक है ना? तो please do that, keep watching, thank you so much, take care, bye bye, and don't forget to subscribe Study with Sonal.